के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं, कई मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन सवाल ऐसे ऐसे पूछे गए कि अब पूरे सत्र को स्थगित करना पड़ा है। विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में जुटा रहा। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष की मंशा भाप सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में यह जरूर कहा गया कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद मानसून सत्र का हंगामेदार प्रदर्शन देखा गया। हंगामेदार जो तस्वीरें थी वो निकलकर सामने आई हैं। कोरोना की भीषण त्रासदी, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई और बेरोजगारी, कृषि कानून और किसान आंदोलन, चीन सीमा पर गतिरोध और राफेल, कई विपक्षी दलों के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। कई सांसद ऐसे थे जो साइकिल चलाकर आए हैं, क्योंकि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी उनमें देखने के लिए मिल रही थी। कई मसलों पर चर्चा करने की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना मैनेजमेंट, पेट्रोल डीजल की कीमतें, तमाम ऐसे मसले थे जिसमें संसद में चर्चा होनी है, लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो पाई है और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर करो करेंगे। जी हां, बारिश से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। बारिश से कई शहरों में जलजमाव, देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक जमकर बादल बरस रहे हैं। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश होने से जलजमाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भी बीती रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर दिल्ली वासियों की जाम की स्थिति से जूझना पड़ा है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया। वहीं कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। नई दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश के कारण सड़कें पानी से लबालब हो चुकी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राजधानी के प्रहलादपुर अंडर रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है, जिससे वजह से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ट्रैफिक को एमबी रोड से मथुरा रोड की तरफ से डायवर्ट कर दिया जा रहा है। सेंट्रल दिल्ली के फिरोजशाह रोड, कनॉट प्लेस, जंतर मंतर जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। दक्षिणी दिल्ली के आर के पुरम और लाजपत नगर जैसे इलाकों में भी बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। वहीं कहीं कहीं पर मेट्रो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, महिपालपुर समेत कई इलाकों में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति भी बनी हुई नजर आ रही है। शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार शाम को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। दक्षिणी कश्मीर में स्थित शोपिया के चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान अब भी चला रखा है, जिसके बाद वहां आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बता दें कि आतंकी इशफाक डार साल 2010 में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुआ था। इसके बाद उस साल 2017 में फोर्स छोड़कर भाग गया और आतंकी बन गया था। उसी से जुड़े आतंकी ये बताए जा रहे हैं जो कि ढेर किए गए हैं। तो अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार
जो विरोध है वो देखने के लिए मिल रहा है। कांवड़ यात्रा पर रोक का साधु संतों ने लेकिन स्वागत कर लिया है। कई ऐसे भी साधु संत हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यूपी सरकार के इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत कर लिया है। जी हाँ, ये आपके लिए बड़ी खबर है। पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही श्री भक्तों से इस साल सावन महीने में घरों पर ही पूजा अर्चना करने या फिर नजदीक ही किसी शिवालय में जलाभिषेक करने की अपील भी कर दी गई है। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष और श्री निर्मल पंचायत के अखाड़े के सचिव महंत देवेंद्र शास्त्री ने कहा है कि सरकार और कांवड़ संघों का यह फैसला बेहद सही है, क्योंकि इससे पहले तमाम लोगों की जिंदगी और सेहत को खतरे में डालने से बचाया जा सकता है। देवेंद्र शास्त्री के मुताबिक इस फैसले से निश्चित तौर पर लाखों शिव भक्तों की आस्था प्रभावित होगी, लेकिन मौजूदा समय के हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जान है तभी जहान है। जीवन बचा रहेगा तो कांवड़ यात्रा में शामिल होने के मौके कई बार मिलेंगे। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की है कि वो सावन महीने में बेहद सतर्कता के साथ ही शिवालयों में जाएं और भीड़ लगाने से बचें। देवेंद्र शास्त्री आगे कहते हैं कि शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल के दूसरे नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम विपक्ष जो है वो यूपी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए पूरी तरह से मनाही कर दी थी, जिसके बाद यूपी सरकार पूरी तरह से विपक्ष के रडार पर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल किया और आखिरकार यूपी सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। साथ ही साथ शिव भक्तों से अपील की है कि घर पर रहकर ही शिवालय तक जाएं, जलाभिषेक करें, कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी। और शिवालयों में भी अगर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब कुंभ हुआ था हरिद्वार में तो कुंभ में लाखों लोग पहुंचे थे, लाखों भक्त पहुंचे थे, जिसकी वजह से कोरोना के मामले जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो, क्योंकि दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मामला शून्य नहीं हुआ है और आगे तीसरी जो लहर है वो सर पर मंडराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। जीएमआई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है सिद्दीकी का शव। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में मारे गए फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के शव को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनका शव दिल्ली पहुंचा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक बयान में कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति ने फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के परिवार की उनके शव को विश्वविद्यालय के कब्रिस्तान में दफनाने के अनुरोध को स्वीकार किया है। ये कब्रिस्तान विशेष तौर पर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों, उनके जीवन साथी और नाबालिग बच्चों के लिए बनाया गया है। अफगानिस्तान से दानिश सिद्दीकी का शव भारत आया। शाम करीब 6 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था। तालिबान ने दानिश के शव को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंपा था, जिसके बाद शव को भारत लाया गया। दानिश सिद्दीकी की इस विश्वविद्यालय से मास्टर की पढ़ाई उन्होंने की थी और उनके पिता अख्तर सिद्दीकी विश्वविद्यालय में शिक्षक संकाय के डीन थे। सिद्दीकी ने साल 2005 से 2007 में एजेके मास कम्युनिकेशन सेंटर से पढ़ाई की थी। जामिया शिक्षक संघ ने दानिश सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दानिश सिद्दीकी जिनका हत्या हो गई कंधार में और जिसकी वजह से भारत में काफी रोष देखने के लिए मिला है, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया है। पत्रकार जगत में भी शोक की लहर है, वहीं परिवार भी पूरी तरह से शोक से उभर नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पत्रकार दानिश कोरोना मामलों में जब बढ़ोतरी हो रही थी तब भी उनके द्वारा खींची गई कई फोटो ऐसी थी जिनकी सराहना हुई थी। साथ ही साथ पूरे अफगान में जिस तरह से लगातार तालिबानी आतंकी अपना वर्चस्व बना रहे हैं इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे और वहां से पल पल की अपडेट भारत पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इससे पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया था, ट्विटर पर देखा था कि किस तरह से उनका वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो गया था। उनके ऊपर हमला हुआ लेकिन उस समय वो जैसे तैसे बच गए। वो वीडियो लगभग 2 महीने पुराना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में जैसे जैसे वो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते रहेंगे वैसे वैसे एक दिन उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने
की बड़े संकेत दे दिए हैं। यूपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर हम परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी को हराना है, हम क्लोज माइंडेड नहीं है, पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं इनके इतना कहते ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो गठबंधन से चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को लखीमपुर खीरी में उन महिलाओं से मुलाकात की थी जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान अभद्रता हुई थी। लखीमपुर में सपा उम्मीदवार ऋतु सिंह के नामांकन के दौरान उनकी प्रस्तावित अनिता यादव के साथ बदसलूकी की गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आरोप था कि बीजेपी के समर्थकों ने महिला के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंची और यहां पर उन महिलाओं से भी मिली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह अंदेशा दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से गठबंधन के साथ 2022 का चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय हैं तमाम मुद्दों को लेकर, वो यूपी सरकार पर हमलावर रहती हैं। वहीं कहीं भी कुछ बड़ी घटना होती है तो परिवार से मिलने वो जरूर पहुंचती है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर दरवाजे खुले हैं, ये संकेत प्रियंका गांधी ने दे दिया है और कोई भी छोटे दल है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की सुगबुगाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या अकेले दम पर ही चुनाव लड़ती है या फिर गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करती है। और अगर आप यूपी आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, यूपी आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर दिखाना होगा। दिशा निर्देश में कहा गया है कि यूपी आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी। साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 4 से 3 दिन पुरानी ही मान्य होगी, यानी कि अगर 4 दिन पुरानी रिपोर्ट है तो ही मान्य होगी, अगर ज्यादा पुरानी है तो वो मान्य नहीं होगी। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन राज्यों में 3% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वहां से आने वालों के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। ये नियम रेल, सड़क, हवाई जहाज से आने वाले लोगों पर भी लागू होगा। एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की जाएंगी जो लगातार आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग करेगी। जिन राज्यों में 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है उन पर नेगेटिव रिपोर्ट का नियम लागू होगा। ये भी फैसला हुआ है कि राज्य में टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहे। अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी, वो भी सिर्फ 4 दिन की ही मान्य होगी। अगर उससे पुरानी है तो मान्य नहीं होगी। चाहे आप सड़क के रास्ते से आए, चाहे आप रेल के रास्ते से आए या फिर हवाई जहाज से आए, अगर आप किसी भी रास्ते से आ रहे हैं जो स्वास्थ्य की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, चेकिंग होगी। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं होती है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में जब भी उत्तर प्रदेश आए तो सोच समझ कर आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर ही आए, क्योंकि यह हवाला दिया गया है कि जिन राज्यों में 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है उन राज्य के लोग अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं जहां पर जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो लगभग बहुत कम हो चुका है, तो वहां अगर आप जा रहे हैं कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी है, जिस वजह से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगी मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह से 2020 में भी यूपी सरकार ने पूरी तैयारियां की थी और बहुत अच्छे से सारी चीजों को संभाला था, ऐसे 2021 में भी तस्वीरें सामने आई थी उत्तर प्रदेश में। इस वजह से यूपी सरकार ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे वो कांवड़ यात्रा को रद्द करना हो, चाहे वो आरटीपीसीआर का जरूरी करना हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि यूपी बचाने के लिए संघ चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब कोई ताकत नहीं बचा सकती है। हाल के दिनों में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं की बैठकें हुई हैं। चित्रकूट में तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हफ्ते भर के लिए डेरा डाला ही था। इसे लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि संघ और योगी सरकार मिलकर ऐसी साजिशें रच रही हैं जिससे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। किसान, मजदूर, बेरोजगारी और कोरोना की दूसरी लहर के बाद बेहाल हुए लोगों पर बहस ही ना हो। अखिलेश यादव की माने तो संघ इन बैठकों के जरिए इसी रणनीति पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब लोकसभा की बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। उससे पहले लखनऊ में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक की। पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई के घर जाकर उनका जन्मदिन मनाया। इन दिनों अखिलेश अपनी पार्टी के रूठे हुए नेताओं को मनाने और समझाने में जुटे हुए हैं। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनसे नाराज होकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। 2022 बेहद नजदीक है, बहुत कम समय बचा है। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी यही है जो कि बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर दे रही है। पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश ने यूपी चुनाव को लेकर संघ पर ये जोरदार हमले कर दिए हैं। कहा है कि योगी सरकार और आरएसएस लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़े मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, ताकि लोग महंगाई, किसान, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार, इन मुद्दों को भूल जाएं और ऐसे जो मुद्दे हैं जो आरएसएस लेकर आ रही है उन पर उनका पूरा फोकस हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, समाजवादी सबको साथ लेकर चल रही है। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अखिलेश यादव अपनी पार्टी से जो रूठे नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उन्हें मनाने की कोशिशें कर रही है, क्योंकि 2022 बेहद नजदीक है। ऐसे में अब समय आ गया है कि हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप जाएं बूथ स्तर पर, गांव-गांव तक जाएं, कस्बों तक जाएं, और जो भी आपका पूरा प्रोपेगेंडा है, जो भी आपका पूरा ब्लूप्रिंट है, वो जनता के सामने रखें कि आप क्या देने जा रहे हैं 2022 में जनता को। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे। यही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि हम ब्राह्मणों को विश्वास दिलाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ सुरक्षित है। आपको बता दें कि यह बयान मायावती ने दिया है और कहा है कि एक बार फिर से हम ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ही है जो ब्राह्मणों का हित चाहती है, बीजेपी ब्राह्मणों का हित नहीं चाहती है। ऐसे में 23 जुलाई से एक पूरा अभियान बीएसपी शुरू करने जा रही है और जिसकी अगुवाई सतीश चंद मिश्रा करने जा रहे हैं। अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी और ये शुरुआत निरंतर चलती रहेगी। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे तक यह अभियान पहुंचेगा। आपको बता दें कि 2007 में भी ऐसा ही बीएसपी ने किया था और कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा बीएसपी को मिला था, लेकिन इस बार क्या यह फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। यानी ये कहा जा सकता है कि भले चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। इसके लिए केसी वेणुगोपाल की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। जिन लोगों को प्रदेश में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है उसमें संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डेनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा का नाम शामिल है। यानी अब साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में आगे मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का
अब तक के काम के लिए धन्यवाद किया गया। बताया गया है कि कुलजीत सिंह नागरा, जो कि अभी सिक्किम नागालैंड और त्रिपुरा के AICC इंचार्ज हैं, वो इस पद से मुक्त हो जाएंगे। तो आखिरकार जो इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी, जो अंतर्कलह चल रही थी, वो कहीं ना कहीं साफ हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ही बने रहेंगे और आज दोनों की मुलाकात होगी, ऐसी भी जानकारी मिली है। तो पंजाब कांग्रेस में कई दिनों से विवाद लगातार चल रहा था, बैठकों का दौर लगातार जारी था, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। सुगबुगाहट थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू को मिल जाएगी, लेकिन आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल गई है। यानी अब लेखा जोखा सारा नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत के गिरने की खबर है। इसके मलबे में 2 दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग गिरने का यह हादसा फरूख नगर के ख्वासपुर इलाके में हुआ है। फिलहाल जिला प्रशासन की तमाम टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। ये इमारत शाम को 7:30 के आसपास गिरी। फिलहाल बिल्डिंग के गिरने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूदा DCP राजीव देसवाल ने कहा, हमें बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिली थी, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के लोग मौके पर मौजूद है और फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। दूसरी तरफ बारिश लगातार आफत बनी हुई है, जिसकी वजह से तमाम जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव हो गया है। जलभराव की स्थिति की वजह से लगातार ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खिलाड़ी से लेकर मैदान तक, हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। 7 की बात शाम 7 बजे का ही चल रही है। एक सीनियर IAS को FIR दर्ज नहीं लिख पा रहे।